खबर महाराष्ट्र के मीरा भयंदर से है, जहां अचानक आए तूफान से उत्तर तट पर काफी बोट जिट्टी और छोटी नाव क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे करीब 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं तूफान के बाद से मछुआरों में निराशा देखी जा रही है, क्योंकि इस तूफान से उनकी रोजी रोटी और व्यवसाय छिन गया है। ऐसे में अब ये अपेक्षा की जा रही है कि जिस तरह से किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उसी तरीके से फिशरीज डिपार्टमेंट और महानगर पालिका उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करें, जिससे जीवन यापन में उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। वो बोट मालिक है, वो बोला है कि कम से कम अंदाजे बोल रहा है वो 35 लाख तक नुकसान हुआ है। रात में कितने बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है? वो 1 बजे से आया था, बोल रहे नाइट से। नाइट 1 बजे से ड्यूटी सुबह लगी? हाँ, हम सुबह से आया इधर से, और जो जो कुछ है, जो सामान विमान जो है वो लेके जाके उधर छोड़ दिया हमने। गाँव से बहुत लोग आया था, और अपना जो अजीत गांडोले है उसने फोन किया था, ऐसा ऐसा हुआ तुरंत आ जाओ, हम तुरंत आ जा रहे। ये साइक्लोन था ये पता था, लेकिन ये साइक्लोन महाराष्ट्र और ये किनार पट्टी पे आएगा इसका अंदाजा नहीं था, गुजरात तक का था। लेकिन ये अचानक से रात में 1 से 1.5 बजे तक के दरमियान ये हादसा हुआ, और हमारी पहली बार ऐसा हुआ कि ये पूरा जो आप देख रहे नाव, ये पूरा ये जो बोट है उसका नुकसान हुआ पूरा। ये पत्थर पे आने के बाद ये अच्छे से किनारे पे वो ये किया था, लेकिन उसको ये साइक्लोन की वजह से, तूफान की वजह से ये पत्थर पे आके पूरा इसका डिमोलिश हो गया। इसमें कम से कम 30-35 लाख का ये उनका नुकसान हुआ है। ऐसा जब जब ऐसा हादसा होता है तो हमारे गाँव वाले, समझो मछुआरे लोग, सब लोग मिल के कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों को हम खड़ा कर देते हैं। मगर अभी ये जो हादसा हुआ है ये छोटा हादसा नहीं है, ये हादसा हुआ है वो उसका सब कुछ गया, टोटल लॉस हो गया। तो ये आदमी को हम लोग किस तरह से संभालेंगे, ये बात है। इसलिए हम लोगों की गुजारिश है शासन से और फिशरीज से कि रिक्वेस्ट भी है हमारे कि वो लोग ये आदमी को खड़ा करने में सहायता करें, जितनी हो सके उतनी सहायता करें। अचानक आए तूफान से मीरा भयंदर से सटे उत्तन में मछुआरे भाई बंधुओं को काफी नुकसान हुआ है, ये नुकसान लाखों में बताया जा रहा है। अब प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करेगी, क्या किसानों की तरह इन्हें भी मुआवजा मिलेगा, ऐसी उम्मीद यहाँ के मछुआरे भाई बंधुओं ने लगा रखी है। मीरा भयंदर से MKN के लिए दीपाली मिश्रा की रिपोर्ट।